दोस्तों सैमसंग ने अपनी M सीरीज के बाद अपनी F सीरीज में भी एक सस्ता बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F04 जो कि लॉन्च हो गया है और इसकी फर्स्ट सेल शुरू होगी 12 जनवरी से, जिसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 7,499 रुपए और आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। 4GB 64GB वेरिएंट आपको 9,499 रुपए में मिलेगा और अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको 1000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों मोबाइल के डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी M04 के जैसा ही इसका आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। रियर में आपको डुअल कैमरा दिए गए हैं, मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। कैमरा का डिजाइन बिल्कुल M04 जैसा ही रखा गया है और फ्रंट में आपको मिलेगी ड्रॉप नॉच और इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा फिट किया गया है। मोबाइल के जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड दिए गए हैं, जहां आपको राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको सिम ट्रे जहां लगा सकेंगे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ। मोबाइल के बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, बगल में आपको प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। टाइप सी सपोर्ट करता है तो आपको इसमें टाइप सी चार्जर मिल जाएगा और चार्जर कितने वॉट का मिलता है ये अभी कहीं मेंशन नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको M04 की तरह ही 7.5 वॉट का चार्जर इसमें ना दिया जाए, तो कम से कम 10 वॉट का चार्जर तो आपको इसके साथ मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की आपको इसमें HD+ डिस्प्ले मिलेगी। पैनल कौन सा दिया गया है इस बार देखेंगे, IPS LCD का पैनल होना चाहिए, पिछली बार की तरह PLS TFT डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 PPI की आपको इसमें मिलेगी। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए भी क्या दिया गया है वो भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। मोबाइल की जो हाइट है 164.2 मिलीमीटर, 75.9 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और 9.1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। 188 ग्राम का ये स्मार्टफोन होगा और अंदर 5000mAh की बैटरी लगी होगी। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 12 मिल जाएगा और बिल्कुल M04 की तरह ही आपको इसमें सेम प्रोसेसर दिया गया है, 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें मिलेगा MediaTek Helio P35 का जो बेस्ड होगा 12nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक पावर VRG8320 के आपको इसमें दिए जाएंगे। ये आपको 2 कलर वेरिएंट में मिलेगा, जेड पर्पल कलर और ओपल ग्रीन कलर, जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेज कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले में आपको 500 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाएगी, अगर आप आउटडोर भी यूज करते हैं तो इजिली आप इसे यूज कर पाओगे। मोबाइल का डिजाइन हूबहू सैमसंग गैलेक्सी M04 की तरह ही देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आपको एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से काफी थिक, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। आइकन बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं जैसे सभी स्मार्टफोन में रहते हैं और यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते हैं यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे, थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको नजर आ जाएंगे। 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको मोबाइल में मिल जाएगा, कैमरा क्लैरिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। 13+2 मेगापिक्सल के रियर कैमरा आपको यहाँ पर दिए गए हैं और कैमरा में आपको ज्यादा कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। फुल HD+ में आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हो और ये इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का। बाकी मोर सेटिंग में देखें तो आपको इसमें प्रो मोड, पैनोरमा, फूड और हाइपर लैप्स दिया गया है, टाइम लैप्स और स्लो मोशन का ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको 2 टाइम का OS अपग्रेड भी मिल जाता है, मोबाइल के साथ कवर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी F04 जिसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी। आने वाले टाइम पर बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बाकी आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।